हेलो फ्रेंड्स, टेस्ट विद ममता में मैं ममता शर्मा देवभूमि उत्तराखंड से आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ उत्तराखंड की बहुत ही फेमस रेसिपी भट की चुड़कानी। इसको कहीं पे भट की चुड़कानी कहा जाता है, कहीं पे भटवानी कहा जाता है और इसको दो तीन नामों से जाना जाता है। तो मेरे जहाँ मैं बिलोंग करती हूँ ना, वहाँ तो इसको भटकी चुड़कानी ही कहा जाता है। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी यमी होती है ना कि बस क्या कहने, बहुत लाजवाब होती है। बहुत इसमें बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इसका। और ये पहाड़ों की बहुत ही फेमस डिश है पहाड़ों में, और सब इसको अपने अपने तरीके से बनाते हैं। तो आइए देखते हैं मैं इसको किस तरह से बनाती हूँ, तो आपको दिखाती हूँ। चलिए, तो फ्रेंड्स ये भटकी चुड़कानी यानी भटवानी बनाने के लिए आइए मैं दिखाती हूँ आपको मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो भटकी चुड़कानी बन रही है तो सबसे पहले मुझे इन भटों की ज़रूरत पड़ेगी। आप ये देख सकते हैं ये किस तरह से होते हैं, जैसे वाइट वाली सोयाबीन्स होती है ना, सोया होती है जो, बिल्कुल उसी की कैटेगरी का होता है, लेकिन ये ब्लैक होता है। ठीक है, ये आप ध्यान से देखिए, आप इसे ये ब्लैक ब्लैक से होते हैं, बीच बीच में शायद थोड़ा सोया भी आ रखी है। तो ये है भट, ये आधी कटोरी मैंने करीब लिए हैं और धो के सुखा के मैंने ये रखे हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद पड़ेगी मुझे ये सरसों के तेल की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ बेसिक मसाले लगेंगे। ये मैंने दो गांठे लहसुन की छील के रखी हैं और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का, ये धो के साफ़ करके रखा हुआ है। तीन टमाटो हैं मीडियम साइज़ के, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हींग ली है, और इसमें एक ये वाली सर्विस स्पून से एक सर्विस स्पून लगेगा मेरा गेहूं का आटा, और इसी सर्विस स्पून से एक सर्विस स्पून लगेगा बेसन। ठीक है, ये मैंने चॉपर रख लिया है चॉप करने के लिए। और ये है इसमें जम्बू, ये जो पहाड़ में मिलता है मैंने आपको पहले भी बताया था, तो इस जम्बू का इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं, चलिए। तो फ्रेंड्स, ये चुड़कानी बनाने के लिए मैंने गैस में लोहे की कढ़ाई रख दी है, आप देख सकते हैं, और इसको बनाते लोहे की ही कढ़ाई में है, क्योंकि इसका असली जो स्वाद है वो इसी में आता है। तो चलिए, मैं गैस ऑन कर रही हूँ और अब कढ़ाई थोड़ी सी गर्म हो जाएगी जब। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई लोहे की कढ़ाई ना हो तो जो भी कढ़ाई आपके पास अवेलेबल है आप उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन इसे लोहे की कढ़ाई में ही बनाया जाता है। ऑयल डालेंगे, ऑयल सिर्फ और सिर्फ मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल करेंगे इसके लिए, क्योंकि इसमें यही तेल इस्तेमाल होता है, इसी में खाना ये स्वादिष्ट बनता है। ठीक है, और अब हम इसे गर्म होने देंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ऑयल बिल्कुल गर्म हो चुका है, धुआं उठ रहा है, और मैंने ट्रायल के लिए एक दाना भी इसमें डाल के देखा। तो इसमें हम सबसे पहले इन भटों को भूनेंगे, ठीक है, और इसको भूनना ही मेन होता है। अगर ये जल गए तो पूरा खाना टेस्टलेस हो जाएगा, इसलिए इसको भूनते समय फ्लेम मैंने अभी तो हाई रखी है, लेकिन मैं इसको अब थोड़ा सा मीडियम में कर दूंगी। ठीक है, और अब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी और लगातार हिलाऊंगी ताकि ये एक ही जगह रह के जले ना। तो ये भट भून रहे हैं, और इन भटों को भूनने की पहचान आप कहेंगे कि कैसे करें कि ये भून गए हैं, नहीं, क्योंकि ये तो ब्लैक है, इसमें भुना हुआ पता भी नहीं चलेगा। पता चलेगा, मैं आपको बताती हूँ। इसको भुनने की पहचान ये है कि ये एक तो तिड़तिड़ करने लगेंगे, धीरे धीरे चटकने लगेंगे, और जब ये थोड़ा बहुत चटकने लग जाएंगे, इनको देखिए ये एक से दो होने लगे, बीच में आप देख सकते हैं ये चटक रहे हैं, और इसमें से चटचट की आवाज़ भी आने लगी है थोड़ा थोड़ा। तो जैसे ही ये इस तरह से होने लगे, गैस की फ्लेम को एकदम कम कर दें। तो अभी ये हो रहे हैं थोड़ा सा, तो अब ये प्रॉपर भुने नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बीच में थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहे होंगे भुने हुए, अब ये चटकने की आवाज़ धीरे धीरे आने लगी है, और अब मैं गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम कर दूंगी। ठीक है, और अब मैं इसको निकाल दूंगी, क्योंकि ज़्यादा देर रखूंगी तो ये जल जाएंगी। ठीक है, और जल जाएंगे तो फिर टेस्टलेस हो जाएंगे। अब मैं इसको एक बर्तन में इसको रख देती हूँ निकाल के। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भुन के तैयार हो गए हैं, और भुनने का देखिए, आप मैं आपको नज़दीक से लाके दिखाती हूँ कि ये देखिए, ये इस तरह से बीच में ऐसे क्रैक्स आ जाते हैं थोड़ा सा। अभी ये बहुत गर्म है, और मैंने यहाँ पे जो ये बाकी कढ़ाई में बचा हुआ ऑयल है, ये मैंने पहले ही थोड़ा सा ज़्यादा डाला था, ताकि भुनने के और सब्जी बनाने, सॉरी दाल बनाने, दोनों के काम आ जाए। ठीक है, तो
तो अब ये भट मैंने किनारे रख दिए हैं भून के, और अब हम इसमें सबसे पहले ये हींग डालेंगे। ठीक है, हींग डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है और स्वाद के लिए भी बहुत अच्छी होती है। ये देखिए अब मैंने थोड़ा सा इसमें हींग डाली है। अब पहाड़ी डिश है तो पहाड़ी टेस्ट आना भी ज़रूरी है, इसमें पहाड़ी लुक देना भी ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ, इसका जो तड़का लगेगा ये लगेगा जखिए से। ये जखिया होता है, ये मैंने थोड़ा सा आधी चम्मच करीब, आधी टीस्पून, ठीक है, और ये आधी टीस्पून इसमें जम्बू डाला है, आधी टीस्पून जखिया डाला है। जम्बू का जो टेस्ट आएगा ना बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग आता है इसका, बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आती है। ठीक है, और अब हम इसके बाद हाफ टी स्पून ज़ीरा डाला है। ठीक है, तो दोस्तों जब तक वहाँ पे ये जम्बू और ये तड़का वगैरह जल रहा है ना, तब तक मैंने ये जो एक सर्विस स्पून बेसन और एक सर्विस स्पून गेहूं का आटा लिया है, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे ना। और इसके बाद ये जिस चॉपर से मैंने चॉप किया था ये जिंजर गार्लिक और टमाटो, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, उसी पानी को हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और उसके बाद हम ये मिक्सर से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल इसमें लम्स ना आए। इसके लिए पहले मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, और आप भी एकदम ज़्यादा पानी ना डालें, नहीं तो इसमें लम्स आ जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी करके ही ऐड करें इसमें, और लम्स आ जाते हैं तो बीच में फिर गुठलियाँ सी बन के भी अच्छा नहीं लगता खाने में, और ना ही लुक वाइज अच्छी लगती हैं वो। ये अच्छे से अब ये फिट चुका है, इसमें कोई लम्स नहीं है, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी चाहिए हमें इसकी। थोड़ा सा इसमें पानी हम, अब इसमें हम जितना मर्ज़ी पानी ऐड कर सकते हैं, अब इसमें कोई लम्स नहीं आएंगे, है ना। तो ये देखिए, तो आप देखिए ये बिल्कुल जल चुका है, जीरा भी जल रहा है, तड़क रहा है ना। तो अब हमने ये जो जिंजर गार्लिक का यहाँ पे पेस्ट बनाया हुआ है, हम इसे डाल देंगे, धीरे से डालेंगे साइड से ही, और सारा डाल देंगे इसमें। गार्लिक जितना ज़्यादा डालो उतना टेस्टी होता है, और जिंजर थोड़ा कम ही डालें। तो ये देखिए, आप चाहे तो इसमें प्याज वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे घर में नहीं पसंद करते प्याज वाला, तो मैं इसलिए वो नहीं डालती, सिर्फ इसमें जिंजर गार्लिक ही डालती हूँ। ठीक है, और अगर आप पसंद करते हो तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से भूनेंगे ब्राउन होने तक, और गैस की फ्लेम को थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे, मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे इसे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये अच्छे से ब्राउन हो चुका है, और अब हम इसमें ये मैंने टमाटो का जो ये फाइन चॉप किया है ना चॉपर से, ये ऐड कर देंगे इसमें। ठीक है, और इसे भी हम अब बहुत अच्छे से भूनेंगे, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से ये भी भूनना चाहिए और अपना ऑयल रिलीज़ करना चाहिए। और इसी बीच हम इसमें थोड़ा सा घर के बेसिक मसाले मिला लेंगे। ये हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, एक टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/4 मिर्ची पाउडर है, और मिर्ची और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कीजिए। और ये एक टेबल स्पून नमक है, मैं थोड़ा सा इसमें और मिला लेती हूँ, और बहुत थोड़ा सा 1/4 गरम मसाला, बस ये इसके मसाले हैं। और मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है कि मैं घर के ही बेसिक मसालों से बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट खाना आप तक कैसे पहुँचाऊँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करें तभी खाना स्वादिष्ट हो। उन्हीं घर के बेसिक मसालों से, वही धनिया, वही हरी मिर्च, वही अदरक लहसुन जो घर में हम यूज़ करते हैं, उन्हीं से आप बहुत स्वादिष्ट बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मतलब कुछ एक्स्ट्रा डालें, कुछ बिल्कुल प्रॉपर कोई मसाला लेके आए तभी बनेगा, नहीं, आप इन्हीं मसालों से बहुत अच्छा खाना बना सकते हैं। बस ये छोटे छोटे टिप्स को फॉलो कीजिए और इन्जॉय कीजिए। चलिए इसको हम अच्छे से भूनते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसने अपना ऑयल रिलीज़ कर दिया इस मसाले ने, ये देखिए बहुत बढ़िया, इतनी बढ़िया इसमें से खुशबू आ रही है। तो आप देखिए, मैंने गैस की फ्लेम को लो ही रखा था, लो टू मीडियम में था ये, और बहुत ही बढ़िया इसका कलर आ चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। ये देखिए इतनी बढ़िया इसका मसाला तैयार हुआ है। और वैसे कई जगह इसे बिना टमाटो के भी बनाते हैं, आटे को भून के डालते हैं, लेकिन मैंने भी पहले एक दो दफ़ा इसको ट्राई किया, लेकिन मेरे घर में इस तरह से किसी ने भी नहीं पसंद करा खाना। तो मैं जो तरीके से बनाती ना, टमाटो डाल के उसे भून के और आटे को घोल के डालना और ये जो बेसन है मिला के करना, तो ये रेसिपी से जब भी मैंने बनाया बच्चे बिल्कुल बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे हैं।
तो ये इतनी बढ़िया बनती है ना, इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। बस ये हाल होता है कि बस पेट तो भर जाता है मगर नियत नहीं भरती, ये इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो आप चाहे दोनों उससे ट्राई कीजिए, लेकिन मैं दावे से कह सकती हूँ कि आपको आटा भूनने से ज़्यादा ये वाली रेसिपी पसंद आएगी, क्योंकि मैंने भी ट्राई किया है और फिर मैंने लास्ट में इसमें टमाटो डाल के बनाना शुरू करा तो बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए अब हम आगे को देख बनाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने भट्ट को भून के किनारे कर दिया है। और दोस्तों एक मज़ेदार बात बताती हूँ, हमारे वहाँ क्या होता है पहाड़ों में, पहले से बड़े बुजुर्गों को मैंने देखा है कि ये जो भट्ट भुने हुए हैं ना, इसमें नमक मिला के ऐसे ही खा जाते थे। आधे भट्ट तो ये ऐसे ही साफ़ हो जाते थे पहले से। तो ये इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं ना, इसमें खाली नमक मिला के आप खा लीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो अब मैं इसकी भट्ट की छुड़कानी बनाती हूँ। तो अब ये यहाँ जो मसाला तैयार हो चुका है, इसी में इन भट्ट को डाल दूंगी सारे। ठीक है, ये डाल दिया है मैंने और अब इन्हें अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये मैंने मिक्स कर लिए हैं और इधर जो मैंने ये बेसन और गेहूं के आटे का मैंने घोल तैयार किया था ना, अब धीरे धीरे हम इसे भी मिक्स करेंगे। एकदम सारा नहीं डालेंगे, नहीं तो जम जाएगा ये, क्योंकि बेसन है, बेसन एकदम जम जाता है। इसको धीरे धीरे डालेंगे और इसमें पानी भी ऐड करते रहेंगे धीरे धीरे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से इसमें पानी भी आपने ऐड करना है धीरे धीरे, वरना ये जम जाएगा। और गैस की आंच को बिल्कुल तेज कर देंगे। अब इसमें कम फ्लेम का कोई काम नहीं है। ठीक है, अब इसको आप बिल्कुल फुल कीजिए, ये इसको हिलाते रहिए वरना ये थोड़ा सा जम जाएगा, बस थोड़ी देर की बात है। अभी जितना ये येलो दिख रहा है ना, अभी देखिएगा आप इसको 10-15 मिनट बाद देखिए, ये एकदम चेंज हो जाएगा और इतना टेस्टी बनेगा ना ये, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। इसको चावल के साथ आप खाइए तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ये और ऐड कर दिया है और ये सारा ही मैं पानी इसमें डाल दूँगी। ठीक है, और अब हम इसमें इसको थोड़ा सा हिलाएंगे थोड़ी देर और उसके बाद इसमें खूब उबाले आने देंगे। वो कम से कम 5 मिनट तक पूरे उबाले आने चाहिए और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जब इसमें उबाले आते हैं। इसी बीच इसमें हम थोड़ा सा, मैं पहले ये जो मेरा सीक्रेट मैं हमेशा कहती हूँ, किचन किंग मसाला 1 टेबल स्पून ज़रूर डालें इसमें, बहुत ही यम्मी टेस्ट आता है, बहुत ही कमाल का टेस्ट आता है। मेरे कहने पे आप एक बार इन चीज़ों को ज़रूर ट्राई कीजिए, आप हमेशा इस बात को कहेंगे कि वाकई में मैडम ने बहुत अच्छी बढ़िया रेसिपी से हमें ये भट्ट की छुड़कानी बनाना सिखाया, बिल्कुल उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे, ये इतना ज़्यादा टेस्टी होता है। जो नहीं भी खाते ना इस छुड़कानी को, वो भी अगली बार से इसको खाना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, बहुत ही बढ़िया पहाड़ी डिश है ये। तो अब हम इसको, ये मैंने इसमें आप देख सकते हैं किचन किंग मसाला अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसको हिला रही हूँ और अब हम इसको थोड़ा सा उबाल आने देते हैं। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितने बढ़िया से उबाल आ रहा है, इसके साइडों में ये जो बेसन और आटे की जो मलाई जम रही है ना, ये इतनी कमाल की बन रही है ना, इतनी अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है कि बस अब देख के रहा नहीं जा रहा, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है, ये इतना ज़्यादा यमी होता है ना कि बस आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिए ज़रूर। अभी मैं इसको कम से कम 10 मिनट और ऐसे ही फुल फ्लेम पे उबालूंगी और इसको जो गाढ़ा करने के लिए मैंने ये डाला था ना बेसन और आटा, देखिए कितना बढ़िया गाढ़ा गाढ़ा सा बना है। और अभी ये भटके दाने वगैरह सब अभी पके नहीं है ठीक से, तो इसको ऐसे ही मैं 10 मिनट तक बीच बीच में हिलाती रहूँगी और पकाऊंगी। तो देखते हैं इसको अभी हम 10 मिनट बाद। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों ये देखो, ये बहुत अच्छे से तैयार हो गया है बिल्कुल बनके, और ये वैसे इतना ही गाढ़ा बनता है और ऐसे ही पसंद किया जाता है। और अगर आप लोग चाहें तो चावल के साथ थोड़ा और पतला कर सकते हैं इसमें, मैंने भी इसमें बाद में 1.5 गिलास पानी और ऐड किया था पकाने के लिए। तो ये बिल्कुल रेडी है, देखिए इतने बढ़िया से इसमें उबाल आते रहे, मैं इसे हिलाती रही और बिल्कुल इसमें कहीं मलाई नहीं जमी है, कहीं बीच में तले नहीं लगा है, बिल्कुल नहीं लगा है। तो अब हम इस, ये बिल्कुल तैयार है ना खाने के लिए। अब इससे थोड़ा सा धनिया से देखिए, धनिया डालते हैं, धनिया डाल के इसमें बिल्कुल 4 चांद और लग जाते हैं, इतना खूबसूरत बन रहा है ये और उतना ही टेस्टी है जितना दिखने में अच्छा लग रहा है ये, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा यमी होता है।
मैंने गैस बंद कर दी है। अब मैं आपको एक इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया बना है ना, इतनी अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। बिल्कुल वो जो जम्बू डाला था, हींग डली है और खास तौर से जो किचन किंग मसाला पड़ा है, इतनी बढ़िया इसमें से खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही यमी, बहुत ज़ोरदार, बहुत अच्छा बना है ये। अब मैं इसमें थोड़ा सा धनिया ऊपर से और डालती हूँ गार्निशिंग के लिए। ये देखिए तो फ्रेंड्स, ये देखिए कैसी बनी ये रेसिपी। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने अगर ये रेसिपी ट्राई करी तो आपकी कैसी बनी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।